हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफाइनिंग ए फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी बात आती है फंक्शन को डिफाइन करने की, तो किसी भी फंक्शन के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है डिफाइनिंग ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन के डेफिनेशन में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। एक तो होता है आपका द फर्स्ट लाइन, एक जो होता है वो होता है फर्स्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या होता है, इंक्लूडिंग द आर्गुमेंट डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट लाइन में दैट आल्सो इंक्लूडिंग द आर्गुमेंट डिक्लेरेशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है कंपोनेंट वो होता है बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक फर्स्ट लाइन मतलब डिक्लेरेशन जहाँ पे आर्गुमेंट का रहता है, और दूसरा होता है बॉडी ऑफ द फंक्शन। जो फर्स्ट लाइन होती है, द फर्स्ट लाइन ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द टाइप स्पेसिफिकेशन ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। मतलब इसमें डाटा टाइप होता है, उस तरह का वो डाटा बताता है जो फंक्शन रिटर्न करता है, एंड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड ऑप्शनली ए सेट ऑफ आर्गुमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि किसी फंक्शन की पहली लाइन जो है वो आप देखिए, पहले तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे, आप लिखेंगे डाटा टाइप, फिर यहाँ आप फंक्शन का नाम देंगे। तो हमने जैसे आपको समझाने के लिए लिख दिया फंक्शन नेम, और उसके बाद अगर जरूरत है तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, आर्गुमेंट का टाइप लिखेंगे, टाइप वन, फिर आर्गुमेंट वन, फिर इसी तरह टाइप टू, आर्गुमेंट टू, फिर एंड सो ऑन। इसी तरह आप लिखेंगे टाइप एन और आर्गुमेंट एन। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे दो नंबरों के एडिशन, दो इंटीजर नंबर हम दे रहे हैं फंक्शन को, और वो टोटल करके हमको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको, उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि चूंकि वो फंक्शन इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न कर रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर, फंक्शन का नाम मान लीजिए हमने लिख दिया टोटल, तो हमने यहाँ फंक्शन का नाम लिख दिया टोटल। ठीक, अब यहाँ पे उस फंक्शन को हम कौन कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे दो, अगर हम दो नंबर उसको पास कर रहे हैं जोड़ने के लिए दे रहे हैं, तो और वो दो नंबर किस तरह के हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप के हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर, और मान लीजिए हमारा वेरिएबल है ये आर्गुमेंट वन, मतलब पहला वेरिएबल है ए, फिर हमने कहा इंटीजर, दूसरा वेरिएबल है बी। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ठीक, पहली लाइन को जो फंक्शन की फर्स्ट लाइन है वो इस तरह डिफाइन होगी। ऐसे ही मान लीजिए, जरूरी नहीं कि सब इंटीजर ही हो, मान लीजिए कि हम दो नंबरों के मल्टीप्लीकेशन का, मतलब सी बराबर हम लिख रहे हैं ए इंटू बी, ये हमको करना है। अब इसमें ए इंटीजर है और बी क्या है, फ्लोट है। ठीक है, तो और रिजल्ट क्या लेना है हमें, रिजल्ट भी हमें फ्लोट टाइप लेना है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि रिजल्ट जो आना है फंक्शन में फ्लोट आना है, तो हम लिखेंगे फ्लोट, फंक्शन का नाम हमने मल्टीप्लाई का मान लीजिए हमने लिख दिया मल्ट, MULT, मल्ट। अब इसको हम दो वैल्यू पास कर रहे हैं, एक वैल्यू है हमारी एक इंटीजर टाइप और दूसरी है हमारी फ्लोट टाइप। तो हम इस तरह डिक्लेयर करेंगे फंक्शन की फर्स्ट लाइन को। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
की फंक्शन की फर्स्ट लाइन को कैसे लिखते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसी लाइन में ये जो डाटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है, दैट इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो अगर आपको गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस रखनी है तो आप बिल्कुल इस तरह फंक्शन की फर्स्ट लाइन को डिफाइन कीजिए, यहाँ पे वो डाटा टाइप आएगा जो फंक्शन का रिजल्ट हमें जिस तरह हमें चाहिए, यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स हम दे रहे हैं वहाँ इन पे वो डाटा टाइप आएगा, ठीक, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जैसे ए और बी हमने लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट्स क्या कहलाते हैं, ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। इनको फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्यों बोलते हैं वो भी आप जान लीजिए, कि बिकॉज दे रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ डेटा आइटम्स दैट आर ट्रांसफर्ड इनटू द फंक्शन फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि ये उन डेटा टाइप्स को बताते हैं जो कॉलिंग पोर्शन से ट्रांसफर किए जाते हैं फंक्शन को। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं, ये जो हमने आर्गुमेंट 1, 2 up to n लिखा हुआ है, इन आर्गुमेंट्स को, दीज आर्गुमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स या पैरामीटर या फॉर्मल पैरामीटर। इनको आप किसी भी नाम से, फॉर्मल पैरामीटर किसी भी नाम से आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि द करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन रेफरेंस आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स सिंस दे डिफाइन द डेटा आइटम्स दैट आर एक्चुअली ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो ये जो जो आर्गुमेंट एक्चुअली ट्रांसफर किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स। द आइडेंटिफायर यूज एज फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर लोकल इन द सेंस दैट दे आर नॉट रिकग्नाइज आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। किसी फंक्शन के बाहर अगर आप ए और बी को यूज कर रहे हैं तो दे आर नॉट रिकग्नाइज, तो ये लोकल कहलाते हैं। हेंस द नेम्स ऑफ द फॉर्मल आर्गुमेंट्स नीड नॉट बी द सेम एज द नेम्स ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। ईच फॉर्मल आर्गुमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप हाउ एवर एज द डेटा टाइप इट रिसीव्स फ्रॉम द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि डेटा टाइप जो है जिस फंक्शन कॉलिंग पोर्शन से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए हम कॉलिंग पोर्शन से ट्रांसफर कर रहे हैं इंटीजर टाइप और यहाँ हमने दे दिया फ्लोट, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कल लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो प्रोग्राम बनाया था आपको, सपोज कीजिए हमने एक फंक्शन बनाया इस तरह। अब फंक्शन का रिजल्ट क्या है, करेक्टर टाइप, मतलब फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो करेक्टर टाइप करेगा, तो हमने यहाँ लिखा करेक्टर। अब फंक्शन का नाम है मान लीजिए लोअर टू अपर केस कन्वर्ट करने का फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे लिखा लोअर अंडर स्कोर टू अंडर स्कोर अपर, ये तो फंक्शन का नाम हो गया, ठीक। और इसका आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट भी जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, वो ये हमने लिखा C1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपली फंक्शन की पहली लाइन हो गई। अब यहाँ से हमने बॉडी बनाया फंक्शन का, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया C2 और हमने ये लिखा कि साहब C2 इज इक्वल टू क्या है, हम चेक करेंगे C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड C1 इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, अगर ये स्मॉल लेटर्स में है। तो ये हमने लगाया कंडीशनल ऑपरेटर और यहाँ हमने लिखा अगर ट्रू होगी ये कंडीशन तो क्या करना है, मैं उसे कैपिटल में कर देना है ना, तो हम ये ए जोड़ देंगे प्लस C1 माइनस ए, ये कर दिया हमने। और अगर फॉल्स है यानी स्मॉल लेटर के अलावा और कोई लेटर आपने इनपुट किया है तो एज इट इज उसको हमने वापस भेज दिया, ठीक। अब ये C2 में ये आ जाएगा, इसको हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न C2, ये फंक्शन हो गया, ठीक। अब जो हमने आपको अभी बताया है शुरू में कि ये क्या हो गया,
ये फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, और ये पूरा ये क्या हो गया, ये हो गया बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ठीक, अब फर्स्ट लाइन के अंदर भी कौन सी चीज क्या है, देखिए ये क्या हो गया, ये तो वो वैल्यू बताएगा जो फंक्शन को रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आप रिटर्न कर रहे हैं C2, और C2 का डाटा टाइप क्या है, करेक्टर, तो हमने यहाँ लिया है करेक्टर। ये क्या है, ये फंक्शन का नाम, दिस इज फंक्शन नेम, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, और फंक्शन जो है, फंक्शन को वैल्यू ट्रांसफर कौन सी कर रहा है, C1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्गुमेंट 1, और ये चूंकि C1 जो है डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो ये हो गया हमारा टाइप 1। ठीक, तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज नई आई है, वो ये है रिटर्न एक्सप्रेशन, ये लाइन। ठीक है, कि रिटर्न एक्सप्रेशन का क्या यूज होता है। ठीक है, तो जो हम फंक्शन में रिटर्न एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक, इसका क्या यूज होता है ये भी आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज रिटर्न टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब रिटर्न के बाद आप जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये वैल्यू जहां पे प्रोग्राम को कॉल किया गया था, प्रोग्राम का जो कॉलिंग पोर्शन है, वहां पे ये पूरा रिटर्न हो जाएगा, उसी जगह जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देंगे या नहीं देंगे, ये चीज ऑप्शनल होती है। अब मान लीजिए कैसे, कोई अगर हमारा फंक्शन ऐसा है जिसमें कोई चीज रिटर्न नहीं करनी है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1 or 2, वो इनपुट एनी नंबर, इफ अ नंबर इज लेस देन 10 तो प्रिंट हेलो, और नहीं तो नहीं। तो अब मान लीजिए इसको अगर हम फंक्शन से बनाएंगे, तो नंबर अगर लेस देन 10 है तो फंक्शन ने क्या किया, प्रिंट कर दिया हेलो, कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं की ना फंक्शन उसको, वापस कॉलिंग पोर्शन को, तो क्या होगा कि इसीलिए इसको ऑप्शनल रखा गया है। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट सिंपली कॉजेस कंट्रोल टू रिवर्ट बैक टू द कॉलिंग पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। इस रिटर्न स्टेटमेंट का काम ये होता है, चाहे आप कोई वैल्यू आप रिटर्न दें यहाँ एक्सप्रेशन, चाहे आप केवल ये भी लिख सकते हैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न केवल आपने ऐसे भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि वापस ये जहां से कॉल किया गया है, वापस ये कंट्रोल प्रोग्राम का वहां लौट जाए। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि रिटर्न एक्सप्रेशन में केवल एक एक्सप्रेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। यू कैन गिव ओनली वन एक्सप्रेशन इन द रिटर्न एक्सप्रेशन, hence a function can return only one value to the calling portion of the program via return। इसका मतलब कि कोई भी function जो final जो result return करेगा, वापस भेजेगा calling portion में, वो केवल एक value होगी, एक से ज़्यादा value वो नहीं return back कर सकता उसको। आपको एक से ज़्यादा value return back करानी है, आप अलग अलग program बनाइए, अरे अलग अलग function बनाइए। तो a function definition can include multiple return statements each containing a different expression। तो अगर आपको different value return करानी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप different return statement use कर सकते हैं, और हर return statement में जो expression होगा वो different होगा। Functions that include multiple branches often require multiple return। तो जिन function में multiple branches होती हैं, उसमें क्या होता है कि multiple return use कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन की डेफिनेशन और रिटर्न का यूज। अब मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा जहां कुछ रिटर्न हमें नहीं करना है, तो उसमें आप सिंपल रिटर्न दे देंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमने से क्वेश्चन आप सुन लीजिए, या एग्जांपल मान लीजिए कि मान लीजिए हम दो वैल्यू इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई इनपुट कर रहे हैं, एंड डिटरमाइन द लार्जर वैल्यू, ठीक है, विच इज देन डिस्प्लेड। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया मान लीजिए मैक्सिमम के नाम से, मैक्सिमम, इसमें दो वैल्यू हमने
फंक्शन के अंदर भेजी, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करना है हमें, तो हमने यहाँ लिखा इंटीजर जेड, तीसरा वेरिएबल ले लिया। अब हमने जेड को क्या किया, जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई चेक करेंगे हम। ठीक, अगर एक्स बड़ा होगा तो एक्स चला जाएगा जेड में, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लीज वो वीडियो जाके देख लें, लेक्चर रिफर कर लें तो क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर ट्रू होगा तो एक्स लौटेगा और अगर फॉल्स होगा तो वाई लौटेगा। ठीक, अब हमने ये लिख दिया कि साहब प्रिंट एफ, यहाँ हमने लिखा प्रिंट एफ, मान लीजिए लाइन चेंज करने के लिए हमने स्लैश एन दे दिया, स्लैश एन स्लैश एन मतलब कर्सर दो लाइन नीचे जाके प्रिंट करेगा, और हमने यहां लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोर्स क्लोज, यहां लिख दिया जेड हमने। तो अब अगर एक्स आया होगा जेड में तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वाई आया होगा तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अब फंक्शन हमको बंद करना है, तो फंक्शन बंद करने से पहले आपको चाहे कोई वैल्यू वापस भेजनी है या नहीं भेजनी, लेकिन कंट्रोल तो वापस भेजना है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे केवल रिटर्न लिख दीजिए, कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये कॉमा इसके पैरेंथेसिस देने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे रिटर्न लिख के और फंक्शन एंड कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये लाइन प्रिंट होने के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फंक्शन इसका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस वहां पहुंच जाएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि एन एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड एज ए मैटर ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो एम्प्टी रिटर्न देने का मतलब है कि आप अच्छे ढंग से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर नहीं भी देंगे तब भी प्रोग्राम का कंट्रोल लौट जाएगा, लेकिन दिस इज ए गुड प्रैक्टिस टू यूज एम्प्टी रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक और फंक्शन बनाने की, और वो फंक्शन क्या करता है, हालांकि अभी तो वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, चलिए और एक दो एग्जाम्पल हैं छोटे छोटे, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना और उसको बनाना ये आ गया होगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक दो प्रोग्राम और आपको बना के बता दें फंक्शन के लिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।